दोस्तों, आपका फिर एक बार मेरे चैनल पर स्वागत है। बिफोर वी स्टार्ट व्यूविंग, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इस चैनल को लाइक कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए। देखिए, आज हम नाउन क्लॉज ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब की स्टडी करने जा रहे हैं। नाउन क्लॉज किसी भी टाइप का हो, वो व्हाट का आंसर या हु का आंसर देता है। देखिए दोस्तों, नाउन क्लॉज सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब कन्फ्यूजिंग होता है, क्योंकि आपको नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज में कन्फ्यूजन होगा। ये इंशाल्लाह हम अगले वीडियो में देखेंगे। अभी हम देखते हैं नाउन क्लॉज सब्जेक्ट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब होता क्या है। एक्चुअली दो टाइप के वर्ब होते हैं, ट्रांसलेटिव वर्ब, इंट्रांसलेटिव वर्ब। जब हमको सेंटेंस में, मेन क्लॉज में ट्रांसलेटिव वर्ब दिखाई दे, तो उसका ऑब्जेक्ट भी होगा, कभी दो ऑब्जेक्ट होंगे, कभी सिंगल ऑब्जेक्ट होगा। तो अगर उस वर्ब का ऑब्जेक्ट कोई क्लॉज हो, तो वो नाउन क्लॉज ही होगा और वो व्हाट का आंसर देगा। अब देखिए, आप पहला सेंटेंस देखिए। आई आस्क्ड हिम वेयर ही लिव्ड, मैंने उससे पूछा वो कहाँ रहता है। देखिए, सबॉर्डिनेट क्लॉज ये हो गया वेयर ही लिव्ड, बिकॉज ये कनेक्टर वेयर से शुरू हो रहा है, और मेन क्लॉज हो गया आई आस्क्ड हिम। ये वेयर ही लिव्ड, ये ऑब्जेक्ट है आस्क का, ये देख लीजिए, आप पता चलेगा आपको व्हाट का आंसर दे रहा क्या। व्हाट डिड आई आस्क हिम, इसका आंसर होगा वेयर ही लिव्ड, मैंने उससे पूछा वो कहाँ रहता है। मैंने उससे क्या पूछा, आंसर होगा वो कहाँ रहता है। सबॉर्डिनेट क्लॉज कहाँ, क्या का आंसर दे रहा है, मैंने उससे क्या पूछा, आंसर होगा वो कहाँ रहता है। इस तरह से ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट हमेशा नाउन होता है, तो ये नाउन क्लॉज है। दूसरी एग्जाम्पल देखिए, शी टोल्ड मी हाउ शी वॉज सेव्ड, उसने, ये ट्रांसलेटिव वर्ब है, इसका ऑब्जेक्ट दो है, एक मी है, एक हाउ शी वॉज सेव्ड। तो यहाँ पर ये व्हाट का आंसर दे रहा है कि दे रहा है या नहीं, हम देखते हैं। शी टोल्ड मी हाउ शी वॉज सेव्ड, व्हाट डिड शी टेल मी, आंसर होगा हाउ शी वॉज सेव्ड। व्हाट का आंसर दे रहा है, नाउन क्लॉज है, मैंने उससे, उसने मुझे बताया वो कैसे बची, उसने मुझे क्या बताया, आंसर होगा वो कैसे बची। दूसरी एग्जाम्पल देखिए, दे अनाउंस्ड वैन रिजल्ट विल बी डिक्लेयर्ड, डिक्लेयर का ऑब्जेक्ट जो है वैन द रिजल्ट विल बी डिक्लेयर्ड है, ऑब्जेक्ट है ये, इसलिए नाउन क्लॉज ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब है। ऐसा समझ में नहीं आ रहा है, आप देखिए व्हाट का आंसर दे रहा है क्या, उन्होंने अनाउंस किया रिजल्ट कब डिक्लेयर किए जाएंगे, उन्होंने क्या अनाउंस किया, आंसर होगा रिजल्ट कब डिक्लेयर किए जाएंगे। इस तरह से ये नाउन क्लॉज ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब हो गया। दूसरी एग्जाम्पल देखिए, शी सेड डैट शी वॉज अ डॉक्टर, व्हाट डिड शी से, आंसर होगा डैट शी वॉज अ डॉक्टर, नाउन क्लॉज, क्योंकि व्हाट का आंसर दे रहा है। उसने कहा कि वो एक डॉक्टर है, उसने क्या कहा, आंसर होगा वो एक डॉक्टर है, क्या का आंसर दे रहा है, नाउन क्लॉज ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब। आई फॉरगॉट वेयर ही कैप्ट हिज कैप, ही फॉरगॉट वेयर ही कैप्ट हिज कैप, व्हाट डिड ही फॉरगेट वेयर ही कैप्ट हिज कैप, ये भी व्हाट का आंसर दे रहा है, नाउन क्लॉज, वो भूल गया उसने उसकी कैप कहाँ रखा था, वो क्या भूल गया, आंसर होगा उसने उसकी कैप कहाँ रखा था, क्या का आंसर दे रहा है, नाउन क्लॉज। तो देखिए दोस्तों, आई रिमेंबर्ड विच बॉय हेल्प हर, व्हाट डिड आई रिमेंबर, आंसर होगा विच बॉय हेल्प्ड हर, मुझे याद आया उसको कौन से बॉय ने हेल्प की थी, मुझे क्या याद आया, उसे कौन से बॉय ने हेल्प की थी, क्या का आंसर दे रहा है, नाउन क्लॉज। सबॉर्डिनेट क्लॉज क्या का आंसर दे रहा है, नाउन क्लॉज। शी डिक्लेयर्ड व्हाई शी वॉज चार्ज्ड, व्हाट डिड शी डिक्लेयर, आंसर होगा व्हाई शी वॉज चार्ज्ड, ये व्हाई शी वॉज चार्ज व्हाट का आंसर दे रहा है, नाउन क्लॉज, उसने डिक्लेयर किया उसे चार्ज क्यों किया गया था, उसने क्या डिक्लेयर किया उसे चार्ज क्यों किया गया था, व्हाट का आंसर दे रहा है, नाउन क्लॉज। देखिए दोस्तों, अगर ये आपको चैनल पसंद आए तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और आपको इंशाल्लाह नए नए चैनल देखने का, नए नए टॉपिक सीखने का मौका मिलेगा। ये इजीएस्ट मेथड है क्लॉजेस पहचानने का, तो आप इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।